चलिए दोस्तों, आज हम लोग अब इसमें फार्मूला डेराइव करना सीखेंगे। ये फार्मूला जो है कैसे डेराइव होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं, जो कि पहले बताया हुआ है मैंने आपको। जैसा कि आपको वीडियो में शो हो रहा होगा, ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल बी वो राइट एंगल है और एंगल सी जो है वो थीटा है। तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये एडजेसेंट साइड होगी, ये बेस होगा, इसको आप बी से डिनोट करेंगे, और जो इसके सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, इसको आप पी से डिनोट करेंगे, और अगली जो साइड है हाइपोटेन्यूज उसको आप एच से डिनोट करते हैं। तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए एच स्क्वायर से। एच स्क्वायर देन ये आपका कट कर दीजिए, वन हो जाएगा। वन इक्वल टू पी अपॉन एच होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच होल स्क्वायर। ये आपने एक ट्रिक देखा हुआ था, पी बी पी एच एच बी, आप यहां से देख लीजिए, पी अपॉन एच इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी अपॉन एच, आप देखिए ये है कॉस थीटा, तो यहाँ पे है स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो ये आपका एक फार्मूला डिराइव हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब हम फिर देखते हैं, दूसरे फार्मूला डिराइव करते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप अगेन इसमें पी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए या बी स्क्वायर से आप डिवाइड कर दीजिए। एच अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एच अपॉन बी होल स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन बी होल स्क्वायर प्लस आप ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा। अब आप अगेन देखिए, एच अपॉन बी सेक स्क्वायर थीटा पी अपॉन बी, यहाँ से आप देखिए पी अपॉन बी, तो पी जो है टेन थीटा को डिनोट करता है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। तो ये दूसरा आपका फार्मूला डिराइव हो गया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अभी हमने बी स्क्वायर से डिवाइड किया, अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए एच स्क्वायर बी स्क्वायर और पी स्क्वायर से आप डिवाइड कर दीजिए इसको। जो पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप डिवाइड कर दीजिए इसको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच अपॉन पी होल स्क्वायर इक्वल टू पी से पी स्क्वायर कैंसिल होगा आपका, वन प्लस बी अपॉन पी होल स्क्वायर। आप फिर से वहाँ फॉर्मूले से आप चेक कर लीजिए, एच अपॉन पी, तो ये आपका आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस बी अपॉन पी, ये बी अपॉन पी होता है कॉट थीटा स्क्वायर है कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला आपका ये डेराइव हो गया, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
अब ये आपकी क्लास फर्स्ट में आपने ये बेसिक चीज़ें और रेशियोज और ये सब सीखा। अब जैसे और आपने देखा होगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू वन, ये आपको वहाँ बताया हुआ है ऑलरेडी। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वन, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वन, तो ये तीनों फॉर्मूले आपने देखा है, वो रेसिप्रोकल वहाँ बताया हुआ है ऑलरेडी आपको। तो इसके बाद हम कुछ और फॉर्मूले भी डिराइव करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू एक टेबल आपको लर्न करना मैं सिखाऊंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में, और उसके बाद हम बाकी फॉर्मूले जो हैं वो डेराइव करना सीखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन जैसे एग्जाम में कैसे आएगा, सपोज कीजिए आपको प्रूफ करने के लिए दे दिया वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। एक बेसिक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, अब इसमें LHS आप रखेंगे तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, जैसा कि आप जानते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपने फॉर्मूले में पहले ही पढ़ा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, कट करेंगे आपका वन आएगा, तो ये आपका इक्वल टू RHS है, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। इस तरह के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आएंगे आपको। इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरह देखें, अगर यहां पे दे दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा ये करते हैं वन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूव करना। देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, जैसे आप जानते हैं कॉट स्क्वायर वन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, आप माइनस कॉमन ले लीजिए माइनस, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, इसका जो वैल्यू आएगा माइनस वन आ जाएगा। इस तरह से बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। अब इसके बाद मैं आपको पहले पीरियडिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यू टेबल एक बार लर्न कराता हूँ, उसमें आपको ये बताऊँगा किस क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू क्या होगी, और उसके बाद फिर हम अदर फार्मूला डिराइव करना सीखेंगे। आफ्टर दैट फिर कुछ हम टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि 10th 11th 12th में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस फिर हम करेंगे इसके बाद।